तुम जो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है। जाने क्यों मैं तो जो भी कहूँ तुम्हें इकरार लगता है। जाने क्यों छोड़ो भी अदा, पास आके जरा बात दिल की कोई कह दो ना। हे सोना हे सोना। अच्छा गाइस, यहाँ पे मैं अपना फेस क्लीन करके जस्ट फेस वॉश से बैठी ही थी कि मैंने मिनिसो का हेयर बैंड लगा लिया, मेकअप वाला। कितना क्यूट लग रहा है यार। और यहाँ पे मैंने असफा हलाल का टोनर, सॉरी, ये कौन सा टोनर था यार, मेरे को टोनर का नाम नहीं याद आ रहा गाइस। ग्रीन करके कुछ था, एब्स गुडनेस का, या एब्स गुडनेस का टोनर था वो लगाया। रेजिश्योर की ये मैंने क्रीम लगाई है ना, काफ़ी अच्छी वाली मॉइस्चराइज वाली क्रीम है। और ये ना जेल बेस इसका टेक्सचर है। अगर आपको स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है आप रेजिश्योर ट्राई करो, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। गर्मियों के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा सीजन है ना जैसे अभी रेनी वाला, वो भी काफ़ी अच्छा है। स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लिया करो। और यहाँ पे फिर मैं लगा रही हूँ लैक्मे का टिंटेड वाला प्राइमर, ब्लर वाला। ये ना स्किन को ब्लर भी कर देता है और हल्का से पिंकिश सा ग्लो दे देता है, तो बहुत प्यारा लगता है। वेट एंड वाइल्ड और नायका का दोनों को मैंने मिक्स करके यहाँ पे अपने शेड के अकॉर्डिंग इसका कलर बनाया और अपनी स्किन में मैं लगाऊंगी। बट अभी थोड़ी देर बाद देखना, मैंने दोबारा चेंज किया फाउंडेशन, बट पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। जितने भी फाउंडेशंस हैं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती मुझे यार। मैं सोच रही हूँ एक फाउंडेशन के ऊपर पूरे वीडियो भी डालूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो हाँ दिखाओ कि आपके पास कितने फाउंडेशन हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लगा लिया, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगाया, मामा अर्थ ने मुझे भेजा था, बहुत अच्छा कंसीलर है गाइस, मज़ा आ गया। मतलब ये कंसीलर लगा के अच्छा है, मतलब ना आप डेली यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले लो, कोई कंसीलर ज़रूर लगाया करो, आपके जितने डार्क सर्कल्स होते हैं ना कवर अप हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा एक शेड लाइट था तो ये मैंने हाईलाइट करने के लिए लिया है ना। NYB का ये है कॉन्टोर वाला जो एक पाउडर था, मतलब पैलेट ही एक वाली सिंगल वाला, तो ये ना थोड़ा डार्क शेड में था, तो मैंने सोचा इससे मैं अपनी आईब्रोज फिल करके देखती हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपके पास कुछ ऐसा हो ना ब्राउन आई शेडो इस कलर का या फिर कुछ भी, तो आप उससे अपनी आईब्रोज फिल कर सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अलग से लेने की। यहाँ पे अपने मैं आईब्रोज को नीट एंड क्लीन कर रही थी विद द हेल्प ऑफ कंसीलर, अच्छे से क्लीन क्लीन किया। यहाँ पे ब्रश की हेल्प से मैंने उसको ब्लेंड ब्लेंड किया।
एंड फिर से आप देखना मैं कैसे इसको चेंज कर रही हूँ. मुझे सेटिस्फेक्शन अपने मेबलिन और पर्पल के फाउंडेशन में ही मिलती है. देखा आ गई वापस मैं इसमें. पूरा मैंने फाउंडेशन क्लीन करके वापस इसके ऊपर लगाया. मैंने ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाली वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती. अभी इतनी लंबी हो जाती है गाइस. फिर आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अच्छे से आप आईज़ में ब्लेंड कर लेना वरना क्रीज लाइन पड़ जाएंगी. आंखें नीचे ही रखना और डायरेक्ट अपने लिड्स में लगाने से स्टार्ट करना, डायरेक्ट लिड में लगाना. अभी भी आपको ऊपर नहीं करना क्योंकि हमारी सेकेंड आईज़ बाकी हैं. यू कैन सी मतलब कवरेज भी काफ़ी अच्छी देता है ये वाला कॉम्पैक्ट. तो कॉम्पैक्ट भी ये केपले का बहुत अच्छा है. मतलब ठीक है, हमारा बेस वेस सब रेडी है. अब ये रेने कॉस्मेटिक वालों ने मुझे ये आई शेडो पैलेट भेजी थी. 6 शेड है बट यार इतने पिगमेंटेशन देते हैं. सो मैंने रेने का ब्रश लिया. हाँ, मुझे रेने के ब्रशेस के ऊपर भी वीडियो बनानी है, बनाऊंगी यार जल्दी. और उसको मैं कॉर्नर से ले जाकर अपने बिल्कुल मतलब ऐसे एक लाइन बनाऊंगी, क्रीज, जो क्रीज लाइन होती है वहाँ से मैं इसको अच्छे से मैं मतलब लगा रही हूँ डार्क कलर से. ज़्यादा इसको हम फैलाएंगे नहीं. और एक अपने स्विस ब्यूटी वाली ब्रश से मैंने ब्लेंड किया और वापस से एक फ्लैट ब्रश से इसको डार्क शेड दे दिया ताकि ये लाइटन अप ना हो जाए, मतलब ब्लेंड करते करते. फिर मैंने लिया गोल्डन शेड और इसको जहाँ पे गैप खाली था वहाँ पे लगाया. अब बताओ कितना इजी है और कितना अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, आई लुक कितना अट्रैक्टिव. पर्पल का काजल ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा थिक थिक लगाएंगे, ज़्यादा हम लोग पतला नहीं करेंगे. उसके नीचे मैंने पर्पल कलर लिया था, पर्पल कलर लगा के इसी रेने कॉस्मेटिक की पैलेट में था, उसको ब्लेंड कर लिया. कितना स्मोकी वाला लुक लग रहा है, कितना सही लुक लग रहा है गाइज. फिर मैंने क्या किया, एक पर्पल कलर का शेड जो मैंने आइस के नीचे लगाया वही मैं अपनी आइस के ऊपर भी लगा रही हूँ. कोई आई लाइनर आज मैंने नहीं अप्लाई किया है, कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं किए मैंने. सो सिर्फ 2 कलर से मैंने आज पूरा अपना आई लुक क्रिएट किया है. 2 कलर से NY Baker ये मैं ले रही हूँ, बहुत ही बढ़िया वाला, मतलब ये था मस्कारा, काफ़ी अच्छा है इसका. मुझे लगा एप्लीकेटर काफ़ी अच्छा लगता है. और इसमें मैंने अभी अभी वो डाला है, मतलब लेंस वाटर होता है ना वो डाला है, क्योंकि ना सूख गया था. तो फिर डायरेक्ट आप अपने अप्लाई कर लोगे ना पलकों में तो थोड़ा ख़राब लगता है, चिपकी चिपकी सी. ठीक है, देखा कितनी अच्छे से लेंथ मिल गई, लेंथ लेंथ या ओके भूल जाती हूँ. आइस के कॉर्नर में मैंने गोल्डन शेड लगाया जो मैंने अपने लिड में लगाया था. अब ये पैलेट भाई मेरे से टूट चुकी है बट मेरे को बहुत अच्छी लगती है और पता है सही लगता है, एक पैलेट में ही तीनों काम हो जाता है. आप भी अगर कोई अच्छी पैलेट ढूंढ रहे हो ना अफोर्डेबल एंड अच्छी कंपनी की ब्रांड की, तो आप या मतलब यू कैन ट्राई दिस. ओके, फिर ब्लश वगैरह लगा लिया इसी में से ही, हंस हंस के, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे हंस हंस के. मतलब यार कौन है जो ब्लश लगाते समय हंसता नहीं है, कमेंट करके मुझे बताओ, जो ब्लश लगाता है वो हंसता है कि नहीं हंसता है. हाँ, और इसी में से ही मैंने हाइलाइटर लगा लिया अच्छे से जहाँ जहाँ पे मतलब ज़रूरत होती है, क्यूपिड बो, जॉ लाइन, चीक्स पे, नोज़ में, फोरहेड में. और यहाँ पे मैं क्लीन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्ट, है ना, अच्छे से क्लीन व्लीन कर लिया मैंने. अब फेसेस कैनेडा की, और ये छोटी सी लिपस्टिक है कामा आयुर्वेदा में, जो एक पैकेट नहीं निकला था बीच में, मुझे या मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, मतलब ब्रांड ने मतलब मेरे को बोला था ख़रीदने के लिए, मैंने ख़रीदा था. तो फेसेस कैनेडा का सबसे पहले मैंने लिप लाइनर लगाया, एकदम डार्क चॉकलेटी कलर, इतना सही लग रहा था ना गाइज. एंड उसके बाद इसके ऊपर ही चॉकलेटी कलर की लिपस्टिक लगा ली, वो कामा आयुर्वेदा, आप देखना अमेज़ॉन हॉल पड़ा हुआ है मेरे, उसमें उसे मैंने शेयर की थी. इतना सही लुक लग रहा था ना कल का यार, मज़ा आ गई. ये है फेसेस कैनेडा का सेटिंग स्प्रे, काफ़ी अच्छे से फेस को सेट कर देता है और मेरा बेस काफ़ी लंबे समय तक टिका भी रहता है. ओके, यहाँ पे मैंने अपना सूट चेंज कर लिया. सूट थोड़ा सा न्यू स्टाइल का था, अंदर इसका मतलब ब्लाउज़ वगैरह, ऊपर से सूट, और आगे से मैंने स्ट्रेटनर से अपने बाल हल्के से कर्ल किए हैं. यहाँ पे मैंने बिंदी लगा ली है छोटी सी, सोचा था कि बड़ी बिंदी लगाऊंगी बट मैंने सोचा नहीं नहीं छोटी लगा लेती हूँ. इसमें मैं ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पहन रही हूँ और एक हाथ में मैंने अपनी वॉच पहनी है जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी. ओके, यहाँ पे मैं अपने इयररिंग पहन रही हूँ. इयररिंग ना मुझे शॉपसी से मैंने खरीदे थे, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं मतलब गाइज.
ओके यहाँ पे मेरा लुक पूरा डन हो चुका है। सो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है। मुझे भी तो बहुत मस्त लग रहा है, मतलब मज़ा आ गई लुक देख करके। ओके गाइस, सो मैम कैसा लगा सबसे पहले कमेंट करो, और रिंग विंग पहन ली है, लुक कंप्लीट हो गया है। ओके मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। अच्छा कॉमेंट करो नेक्स्ट कौन सी चाहिए।